जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर में ई रिक्शा असेंबलिंग यूनिट शुरू किया गया है, जिसके जरिए वहां के कई युवाओं को रोजगार मिला है। गौरतलब है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ई रिक्शा की सेवा काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में ये यूनिट लोगों को रोजगार मिलने में मदद करेगी। जानिए इस यूनिट के मालिक फरदीन अहमद का क्या कहना है। हमारा असेंबलिंग यूनिट है, आपने हमारे टेक्नीशियन से भी बात की होगी रिसेंटली। तो हमारा बेसिक रीज़न था असेंबलिंग यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश करने का कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। जो बेरोज़गारी है, लड़के काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आप कर सको, इसमें क्या, इसमें आपको एक टेक्निकल हैंड मिल जाता है सीखने के लिए। अगर मेरे पास कोई लड़का काम करने के लिए आता है, अगर वो कहीं पर भी जाता है, देखिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन देख लेते हैं, वो कहीं पे सेल्समैन ही करने जाते हैं, 3 साल 4 साल करते हैं, 4 साल के बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं ना, वो सेम एज इट इज़ वही निकलता है जो वो था, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बस थोड़ी सेल्स के रिलेटेड नॉलेज आ जाती है। बट वो आज के हमारे आज की टाइम में क्या चाहिए, इंसान को टेक्निकल हैंड होना चाहिए। जिसके पास टेक्निकल हैंड है ना, वो कहीं भी पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, हम लोगों ने उनको टेक्निकल हैंड दिया, उनको सिखाया कि कैसे काम होता है। एंड अभी अगर वो मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल जाते भी है कहीं, तो वो कहीं बंद नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अब टेक्निकल हैंड है, वो उससे पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिक रीज़न हमारा था ये यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हमारा जो यूथ है, जो आज इतना आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है कश्मीर के, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, इससे चार घर चलेंगे, वो बेटर है। तो उस वजह से हमने यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट किया। एंड इससे हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जिन्होंने कस्टमर्स ने लिया है, उनको भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनको पहले क्या होता था, जब यहाँ पे अगर कोई ई रिक्शा लेता भी है, फॉर एग्जाम्पल बाहर से लेता है या कहीं से लेता है, उसके पास सर्विस नहीं थी, सर्विस के लिए उसको बहुत जगह देखना पड़ता था, क्योंकि किसी को नॉलेज थी नहीं। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उनको सर्विस स्टेशन प्रोवाइड किया, प्रॉपर सर्विसिंग दी, जितने भी अभी ऑटोज़ हैं प्रॉपर सर्विसिंग होती है, उनका एक चेकलिस्ट बनता है, प्रॉपर सर्विस करते हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर एक उनको डिसिप्लिन मिल गया कि नहीं, अगर हम कोई चीज़ बाई कर रहे हैं, उसको हमें प्रॉपर बेनिफिट्स, उसके प्रॉपर सर्विसिंग मिल रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ऑटो अगर बंद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जो पहले था कश्मीर में कि अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर से ले आया इंपोर्ट करके, एक तो अपना ट्रांसपोर्टेशन बाकी चीज़ है, फिर यहाँ अगर उसको ख़राब हो गया, उसको फिर बाहर से बंदा लेके आना, अगर वो भी आएगा, वो भी कंफर्म नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने ये इनका सर्विस सेंटर दे दिया, सर्विस सेंटर से क्या हो गया, इनको बेनिफिट्स मिल गया। हम यहाँ पर ये असेंबल करते हैं ऑटो, तो आपने देखा होगा कि हम कैसे यहाँ पर असेंबल करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक फ़ायदा है, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बहुत खुश हैं इससे, एक कस्टमर भी खुश हैं और जो मतलब आम नागरिक हैं वो भी बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर मतलब आम नागरिक थे वो बसों में सफ़र कर रहे थे, सोमोज में सफ़र कर रहे थे, तो एक तो फेयर भी हमको ज़्यादा देनी पड़ती थी उनको, और इस पर एक चीज़ फ़ायदा है, एक तो 10 रुपये पर स्टॉप यहाँ पर हम उन कस्टमर से लेते हैं, और जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि एक रोज़गार के हिसाब से उन्होंने मानो यहाँ पे काम किया है। तो जो मतलब अनएजुकेटेड थे जो यहाँ पे बैठे थे घर में और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जो कि डिप्रेशन में हो गए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है कि वो ये ऑटो ले और ये देखे कि मतलब कितना इसमें फ़ायदा है। वहीं ई रिक्शा ड्राइवर्स ने भी इस पर बात करते हुए कहा है कि यह वहां के लोगों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। पहले कितनी प्रॉब्लम थी? बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर उसके बहुत बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान आ गया। नासिर साहब इसको साथ साथ बैठता है, उधर से इधर से ये सर्विस करने के लिए ये देखता है, ठीक होता है या हो जाए, सब अच्छा होता है ये, और काम भी अच्छा लगता है। शुक्र अल्लाह खुदा की, एक काम बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे गरीब रोजगारों को रोजगार भी मिलता था, ये बहुत अच्छा काम है। तो फिर भी ये लाता था बाहर से, अब बाहर से नहीं लाता था, अब इधर यहाँ ही बनाता था, ये बहुत अच्छा है। हम लोगों को भी फायदा हुआ, हम लोगों को भी 4-5 पैसे बनता था, जो कस्टमर है उनको भी फायदा हुआ, रेट भी रिजनेबल है, बहुत कम है, 20 से 10 रुपया रेट है, ये बहुत अच्छा है।